बीएसए रामेंद्र सिंह की अध्यक्षता में इनेक्सी भवन के सभागार में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन लीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में बीएसए रामेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जनपद को निपुण बनाने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें जनपद के अध्यापकों को ट्रेन करने के लिए एक्सपर्ट को बुलाया गया है, जिससे कि जनपद के सभी विद्यालयों के बच्चे निपुण हो सकें। हमारा पूरा प्रयास है कि जनपद के हर बच्चे का अटेंडेंस चेक कर रहे हैं, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय में समय देकर निपुण हो सकें। भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार देश के हर बच्चे को निपुण बनाना है तथा भाषा व गणित में उसको दक्ष बनाना है, जिसको पूरा करने के लिए हम लोग हर महीने कार्यशाला करके सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि मिशन के अनुसार निपुण भारत की योजना को लागू कर रहे हैं, हर बच्चे को निपुण बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएसए रामेंद्र कुमार सिंह ने कहा, एक तरह का इंटरवेंशन, एक तरह का रणनीति सा रहेगा आगे आने वाली निपुण यात्रा करना, शिक्षकों को प्रोत्साहित करना। जैसा कि रणनीति बना रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं, ये इंश्योर करने की जो नई शिक्षा नीति, आप सभी एक वर्किंग प्लान बनाएंगे और इस वर्किंग प्लान को बनाने के लिए आज बहुत सारे इनपुट दिए जाएंगे आपको आज और कल। कल एक मॉडल ब्लॉक का एक वर्किंग प्लान आपसे शेयर भी किया जाएगा, हमारे पाली और जंगल कौड़िया विकासखंड की टीम प्रस्तुत करेगी जिसको। उसी तरह आप लोग अपने विकासखंड के मॉडल वर्किंग प्लान बनाएंगे और वो एक्चुअल प्लान होंगे और उस प्लान के आधार पर 3 महीने आपको काम करना है और 3 महीने के काम के बाद फिर एक कॉन्क्लेव इसी तरह होगा और उसमें आप अपने प्रोग्रेस को प्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए इन सारी चीजों को कैसे आप अपने वर्किंग प्लान में रखेंगे इसको बहुत ध्यान से, बहुत बारीकियों के साथ समझिएगा, क्योंकि ये प्लान इसी टीम को बनाना है जो टीम यहाँ बैठी हुई है। आगे चलते हुए रिव्यू बैठकों को जो आप सभी रिव्यू बैठक के ब्लॉक स्तरीय करते हैं हेडमास्टर्स के साथ, उस पर भी आप सभी को कुछ सुझाव, कुछ प्रस्तावित बिंदु आज आप सभी के समक्ष रखे जाएंगे। और अंत में जैसा मैंने बताया, कार्य रणनीति का वो हिस्सा होगी, तो इन कुछ बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर आप अपनी आने वाले समय में रणनीति, ये 2 दिवसीय कार्यशाला है जनपद को निपुण बनाने के लिए, तो हम लोग इसमें एकेडमिक जो हमारे लीडर्स हैं ERP SRG और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी, तो हमारी एक्सपर्ट टीम इनको ट्रेन करेगी कैसे विद्यालयों में हम लोग प्लान बना के इम्प्लीमेंट कराएं, कैसे उसको प्रभावी सुपरविजन करें, शिक्षकों को हम कैसे प्रोत्साहित करें और प्रत्येक बच्चे को मैक्सिमम अटेंडेंस हम लोग उसका इंश्योर करें कि मैक्सिमम अटेंडेंस हो हमारे बच्चों की, और अध्यापकों को कैसे प्रोत्साहित करें कि बच्चे विद्यालय में आएँ, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को निपुण बनाना है, मतलब भाषा और गणित में उसको दक्ष करना है, तो उसी के उद्देश्य को हम लोग ये कार्यशाला कर रहे हैं। और हम लोग इस 2 दिवसीय कार्यशाला, इसमें एक्सपर्ट भी हमारी ट्रेनिंग देंगे और हम लोग अपने कार्यक्रम को बहुत जल्दी लागू करेंगे और हम जल्दी से जल्दी निपुण बनाएंगे। इसमें ERP हमारे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन हैं, सभी ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारी हैं, हमारी SRG टीम है, डायट मेंटर्स हैं, डायट के प्राचार्य हैं और हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, सब DM सर, CDO सर, हमारे मंडलायुक्त सर, सबका हम लोगों को आशीर्वाद मिलता है, सबका संबोधन मिलता है, सभी का मोटिवेशन मिलता है। तो हम लोग जनपद के अध्यापकों से अनुरोध भी करेंगे कि इसका वो लाभ उठाएं और अपने बच्चों को मैक्सिमम इंगेज करें, एम्पावर करें, एजुकेट करें और जल्दी से जल्दी निपुण बनाएं।